अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शहबाज़ नसीर है और मैं प्रॉपर्टी क्लासिक के प्लेटफार्म से हाजिर हूँ आज हम बात करेंगे प्रीसन थर्टी वन के विलाज़ में प्रीसन थर्टी वन में तकरीबन एक हज़ार प्लस के करीब ये विलाज़ अवेलेबल हैं और इनका जो यानी कि साइज़ है वो दो सौ पैंतीस स्केयर यार्ड है यानी कि दो सौ पैंतीस स्केयर यार्ड का विला थ्री बेड के साथ अवेलेबिलिटी आ रही है इसी तरह इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो मेन जिना एवेन्यू से मेन गेट से अगर हम इसकी बात करते हैं तो तकरीबन कोई सेवनटी टू ट्वेंटी के एम यानी कि सत्रह से बीस किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और यहाँ पर एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है शिफ्ट होने की वजह यह है कि यहाँ पर यह विलास जो हैं ये मेन एवेन्यू जिला लोकेटेड हैं और प्राइस जो हैं वो इनकी बहुत मुनासिब हैं यानी कि इस वक्त दो सौ पैंतीस असका विलार्टी वन में तकरीबन एक करोड़ बाईस लाख से स्टार्टिंग प्राइस है जी हाँ एक करोड़ बाईस लाख से लेकर एक करोड़ पचास लाख तक आपको एक अच्छा विला मिल जाता है इसी तरह वो हज़रात जो कि एक विला में रहने के ख्वाहिशमंद हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो दया गैर में जो काम करते हैं कि वो एस सोन एस पॉसिबल अपने वतन जाएँ और वहाँ पर एक अच्छी रिहाइश रखें उनके लिए पी 31 थर्टी वन में दो सौ पैंतीस गज की ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है ओवरसीज़ हज़रा डेफिटली एक लेविश लाइफ गुजार रहे हैं और उनने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी देखा होता है तो डेफ़िनेटली जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है तो फर्स्ट प्रियॉर्टी पर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर उन्हें तमाम ज़रूरिया ज़िंदगी आसानी से मौजूद हों, और उनकी एक स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग जो है उसे डिस्टर्बेंस में तब्दील ना किया जाए यानी कि उन्हें तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी सोसाइटी में मिल सकें डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसीज़ हज़रा की फर्स्ट प्रियोरिटी बहरिया टाउन ही होती है बहरिया टाउन पिछले तीस साल से अपने मैार के मुताबिक अपनी क्वालिटी के मुताबिक एक जीता जाता सबूत है और डेफ़िनेटली बहरिया टाउन ने कराची में ख़ास तौर पर इसके अलावा लाहौर रावलपिंडी और इन कमिंग सोन पिशावर में डेफ़िनेटली अपनी मैार और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिलीवर किया है तो डेफ़िनटली जो लोग यानी कि विला लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त मार्केट में विलास की प्राइसेस जो हैं वो अपने बॉटम लेवल पर है यानी कि 2021-2022 में अगर हम इसी विला की बात कर लेते हैं तो ये मिनिमम एक करोड़ सत्तर लाख स्टार्टिंग प्राइस थी और मैक्सिमम तकरीबन दो करोड़ पच्चीस लाख तक का रेट था बट इस वक्त जो है प्राइसेस अपने मुनासिब कीमत पर हैं यानी कि अपने मुनासिब लेवल पर हैं तो एक अच्छा विला एक अच्छे लोकेशन पर आप खरीद सकते हैं मेंटेनेंस की बात कर ली जाए तो बहरिया टाउन ने मेंटेनेंस की तमाम सहूलियात मैसर की हैं यानी कि पानी बिजली गैस सहूलियात इसके अलावा सिक्योरिटी का बहुत अली निज़ाम है और पर मंथ जो है वो तकरीबन सिक्स पर मंथ जो है बहरिया टाउन एज अ अटेन्स चार्जेस जो है वो इशू करता है इसमें डेफिनेटली जो कि ना होने के बराबर है बिजली का मसला जो है वो कराची का एक बहुत बड़ा इशू है वो लोग जो कि कराची में रिहाइश पजीर हैं के इलेक्ट्रिक के जुल्माना टेक्सीस की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वह मैंटली डिस्टर्ब हो चुकी है तो डेफिनेटली एक तो बिजली का यूनिट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरा बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग यानी कि 24 24 घंटों में से सिर्फ 16 16 घंटे जो है वो सिर्फ लोड शेडिंग के होते हैं जबकि बहरिया टाउन की बात कर ली जाए तो बहरिया टाउन में बिजली का इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है वो तकरीबन फिफ्टी फोर है और ट्वेंटी फोर अब्लिक सेवन बिला तातुल जो है वो आपको बिजली की फ्राह में मयसर की जाती है पानी बिजली इसी तरह गैस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फिलहाल सिलेंडर सिस्टम अवेलेबल है और इन शहम यकम सेप्टंबर से बहरिया टाउन ने एस एन जी पी एल की से यहाँ पर सुई गैस की सहूलतर कर दी है और ये सहूलत फिलहाल जो है अपार्टमेंट्स को दी जा रही है और इन फ्यूचर थ्री मंथस में भी मैसर होगी इसी तरह वो लोग जो अभी रेंट पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं प्रीसन थर्टी वन में उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स बेस्ट टाइम फॉर लिविंग कि वह बैरिया टाउन आए प्रीसन थर्टी वन का विजिट करें यहाँ पर एक अच्छा बिला तकरीबन पंद्रह हज़ार से लेकर बीस हज़ार महाना रेंट पर आपको मिल जाता है जी हाँ आप बहुत शौक होंगे कि पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार तक जी हाँ इस वक्त 15 से बीस हज़ार में आप एक अच्छा विला प्रसन 37 में 235 गज का विला हासिल कर सकते हैं और इसी तरह दीगर सहूलियात मयसर हैं यहाँ पे इमाम बारगा की सहूलत भी प्रिसन 31 में मौजूद है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है इसी तरह यहाँ पर कमर्शल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं मस्जिद की सहूलत मैसर है बच्चों के लिए प्ले एरिया यहाँ पर मौजूद है इसके अपोज़िट की बात कर लेते हैं तो बहरिया टाउन प्रिशन थर्टी सेवन है प्रसन्न थर्टी में इस वक्त एफ़ल टावर जो है वो एक मोमेंटम में आ जाता है है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है खासतौर पर फ्राइडे सैटरडे संडे विज़िट करती है एक हाई इवेंट होने की वजह से हाई प्लेस पे होने की वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर विज़िट करती है इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर बहरिया रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है जो कि बहुत तेज़ी से जो है डेवलपमेंट जिसकी चल रही है और इन शहमान ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में पी एस एल जो है वो यहीं पर लोकेटेड होगा आप समझ सकते हैं कि पी एस एल की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन वर्ल्ड में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो इन फ्यूचर वो हज़रा जो कि यहाँ पे इसके कुर्बा जवर में रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में के करोबा जवार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत स्ट्रांग हैं डेफिनेटली जब आप इंटरनेशनल लेवल के लोगों को इन्वाइट करते हैं तो उस एरिए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतर होता है तो इस वक्त जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो पीसेंट थर्टी वन में आप दो सौ पैंतीस इसका बिला खरीदें और डेफिनेटली अगर आपके पास ऑलरेडी विला है और आप उसे रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रबता कर सकते हैं मज़ीद तफ़ी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रबा कीजिए थैंक यू